अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। गाइस, आज बहुत ही मज़ेदार सी मैं सर्दियों की एक स्वीट डिश लेके आई हूँ, जिसे हम गाजर का हलवा कहते हैं। और गाजर का हलवा बहुत सारे लोगों की बहुत ही मज़ेदार सी है फेवरेट डिश होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले मैंने गाजरों को ऐसे कद्दूकश कर लिया है। मेरे पास गाजरें क्वान्टिटी में ज़्यादा थी, इसके बाकी इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बाद में बताऊँगी, इसलिए मैंने कहा मैं आपको गाजरें पहले दिखा दूँ। ये 5 किलो गाजरें मैंने तकरीबन ली हैं, और इनको मैंने 5 किलो गाजरों को अच्छे से धो के साफ करके इनको मैंने ऐसे कद्दूकश कर लिया है। अब इनको मैं चूल्हे पर चढ़ाती हूँ, और इसमें तकरीबन हम दूध डालेंगे 2.5 किलो। जितनी भी गाजरें हमने लेनी है उससे आधा दूध आपने यूज़ करना है, और बाकी इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो अब इसको मैं चूल्हे पर चढ़ाती हूँ। दूध को अच्छी तरह छन्नी से छान के ऐसे तकरीबन 2.5 किलो दूध मैं इसे ऐड कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे अब हम छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। तब तक गाजरें अच्छे से हमारी सूख जाएंगी। इनका पानी अच्छे से ड्राई करना है हमने, और साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें, इसमें बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है, साथ साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी, और इसको तब तक पकाएंगे जब तक गाजरों के अंदर ये दूध और पानी गाजरों का जो है वो ड्राई ना हो जाए बिल्कुल। काफी हद तक इसमें दूध ड्राई हो गया है, साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। फुल फ्लेम कर दिया मैंने इसका, और अब मैं इसका दूध ड्राई कर रही हूँ। अच्छे से गाजरों का पानी भी खुश्क हो जाए और साथ में ये दूध भी ड्राई हो जाए। अभी हमने इसमें कुछ नहीं ऐड किया, जब तक इनका पानी ड्राई नहीं होगा तब तक हम कुछ ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। ये देखिए, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया और दूध भी अच्छे से खुश्क हो गया इसके अंदर। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, मैं तकरीबन 1 किलो चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। और चीनी डाल के मज़ीद पानी को हम ड्राई करेंगे जो थोड़ा बहुत रह गया, ताकि वो भी खुश्क हो जाए। तकरीबन 1 किलो चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब अपने टेस्ट के मुताबिक जरूर देख लीजिएगा। अच्छे से अब हम ये चीनी का जो थोड़ा सा पानी बनेगा वो भी ड्राई कर लेंगे, अच्छे से इसे भून लेंगे। ये देखिए, चीनी डालिए, थोड़ा सा इसने पानी अपना छोड़ दिया, इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इतनी देर हम देसी घी में इलायची डाल के इसका तड़का तैयार कर लेंगे। इतनी देर में इसका ये पानी ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 1 किलो मैंने ये देसी घी लिया है, इसके अंदर मैं 12 से 15 तकरीबन इलायची ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसको खोल लें और इसके अंदर ऐड कर दें। ऑयल को 2 मिनट में हल्की आंच में पकाऊंगी ताकि इलायची का अच्छे से खुशबू इसके अंदर आ जाए। इतनी देर में हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। गाजरों ने मज़ेदार सी अपनी खुशबू छोड़ दी है।
बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। इतनी देर में हम इसको ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया और गाजरों के साथ मिलके। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरे खाने आपको कैसे लगते हैं। बहुत ईजी रेसिपीज मैं बनाने की कोशिश करती हूँ आपके लिए और बहुत मज़ेदार होती हैं, झटपट बन जाती हैं। देखें, ये चीनी का भी पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इसमें घी देसी डालेंगे, छन्नी से मैं इसको छान लूंगी अच्छे से। देसी घी मैंने इसमें डाल दिया है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। गाइस, मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है और बहुत मज़ेदार सा कलर आ गया इसका। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम रेड कलर दे रहा है हलवा अपना। ये देखें, 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे फुल फ्लेम के ऊपर ही, ताकि अच्छे से ये ऑयल छोड़ दे। फिर हम इसमें खोया ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह से जब ऐसे ही ऑयल छोड़ दे, ये बिल्कुल रेडी है। बस अभी हम इसमें खोया ऐड करेंगे। तकरीबन 1 किलो मैंने खोया लिया है, जो हाफ से ज्यादा, तकरीबन आधा किलो से ज्यादा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और बाकी हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। फ्लेम मैंने इसकी मीडियम कर ली है। खोए को हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डालेंगे। साथ ही हम इसमें काजू, बादाम और अखरोट और किशमिश में डाल रही हूँ, आपको जो भी पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। इनको मैंने अच्छे से काट लिया बारीक बारीक। कुछ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और कुछ हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने इसको मिक्स कर लिया, फ्लेम मैंने इसकी बंद कर दी थी खोया डाल के, चूल्हा बंद करके। फिर हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे ताकि खोया हमारा नजर आए, मेल्ट ना हो जाए अंदर, बिल्कुल मिक्स ना हो जाए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो गाइस, ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा, जिस सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश है, बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। मेरा बेटा आपको टेस्ट करके बताएगा कि उसकी मम्मा ने ये कैसा बनाया है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आइए अब मैं अपने बेटे को टेस्ट कराती हूँ, वो आपको बताएगा कि मैंने ये कैसा बनाया है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।